साढ़े तीन के ग्राम देव बरोदा स्थित एक 6 वर्षीय असहाय बच्ची का पड़ोस में रहने वाली एक महिला विगत 1 साल से सहारा बनी हुई है। महिला के गुहार पर नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे और वार्ड 25 के पार्षद एस वेंकट रमन्ना के सहयोग से बच्ची का चरोदा स्थित ज्योति विद्यालय में निःशुल्क दाखिला कराया गया है। नगर निगम भिलाई चरोदा के ग्राम देव बलोदा में 6 वर्षीय असहाय बच्ची प्रतिज्ञा यादव अब शहर के नामी स्कूल में पढ़कर अपना भविष्य संवार सकेगी। मां के निधन के बाद इस बच्ची को पड़ोस में ही रहने वाली दूर की रिश्ते की नानी बिंदा यादव विगत 1 वर्षों से पालन पोषण कर रही है। वहीं मजदूर परिवार की बिंदा यादव ने बीते दिनों देव बलोदा में भूमि पूजन के दौरान पहुंचे महापौर निर्मल कोसरे के समक्ष बच्ची प्रतिज्ञा की स्कूली शिक्षा को लेकर गुहार लगाई थी। महापौर ने सारी बातें जानने के बाद बिंदा यादव और बच्ची को मंगलवार को निगम में बुलवाया। वहीं महापौर ने पहल करते हुए वार्ड 25 के पार्षद एस वेंकट रमन्ना के माध्यम से उक्त बच्ची का निःशुल्क दाखिला ज्योति स्कूल में KG 2 में करा दिया है। इतना ही नहीं, कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई स्कूल में निःशुल्क कराने की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा कॉपी पुस्तक पर होने वाले खर्च महापौर और पार्षद ने स्वयं उठाने की बातें कही हैं। जब हम लोग देवलोदा वार्ड क्रमांक 32 में विकास कार्यों का नारियल तोड़ने के लिए हम लोग गए थे, उस समय हम लोग को बिंदाबाई यादव वहाँ पर मिले। उन्होंने हम लोगों से आग्रह किया कि ये बच्ची है और ये बच्ची को स्कूल में एडमिशन कराना है। तत्कालिक समय में हमने उसको सोमवार को अपने निगम कार्यालय में बुलाया। बुलाने के पश्चात हमारे वार्ड के 25 नंबर वार्ड के पार्षद भाई रमना जी के माध्यम से इस बच्ची का एडमिशन ज्योति स्कूल में KG 2 में हम लोगों ने कराया। जब हम लोग को पता चला कि ये बच्ची उनकी माता का एक्सपायर हो चुका है और उनके पिताजी जो है मेंटली डिस्टर्ब है और इस बच्ची का पालन पोषण बिंदाबाई जी करते हैं, ऐसे गरीब बच्ची के लिए उनकी सहानुभूति देखने के लायक है और हम लोगों ने शहर से उनको सहयोग करने के लिए बीड़ा उठाया। रमना जी ने उसे तत्काल एडमिशन भी कराया और कक्षा KG 1 से लेकर अभी तत्काल में KG 2 में हम लोगों ने कराया। 12वीं तक वो निःशुल्क पढ़ाई करेंगे। जितनी भी उनको कापी किताब की खर्च होंगे हमारे द्वारा, हम पार्षद साथियों के द्वारा, महापौर के द्वारा उनको सहयोग किया जाएगा। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे बच्चे हमसे मिले और हम लोग उनका सहयोग करने के लिए आगे आए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हर बच्चे पढ़े। गरीब बच्चे तो पढ़ रहे हैं लेकिन ऐसे अनाथ बच्चे जो बेसहारा है उनको पढ़ाने का हमको मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं रमना भाई को भी धन्यवाद करूँगा और उस बच्चे का उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना भी करता हूँ। मैं महापौर जी के साथ देवलोदा गया था, वो बिंदा भाई यादव ने आई बताई, फिर मुझे महापौर जी बोला कि रमना भाई अब एडमिशन करा दो ज्योति स्कूल में। मैं ज्योति स्कूल सिस्टर के पास गया, जिला सिस्टर, उनसे निवेदन किया इस बच्ची के मान गुजर गई है, इसके लिए एडमिशन करा दो। सिस्टर ने मान ली है, मतलब निःशुल्क पढ़ाऊँगी मैं। अभी कौन से क्लास में एडमिशन है? अभी इसको KG 2 में एडमिशन मिला है। KG 2 के बाद इसका एडमिशन हो जाएगा, क्लास 1 में एडमिशन हो जाएगी। बच्ची का लालन पालन पोषण कर रही बिंदा यादव ने बताया कि विगत 1 वर्ष पूर्व बच्ची की मां की मृत्यु हो गई थी और बच्ची के पिता मानसिक रूप से पीड़ित हैं, जिसके बाद से ही वे बच्ची का लालन पालन पोषण कर रही हैं। आज बच्ची का स्कूल में दाखिला हो जाने के बाद उनकी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। बिंदा यादव नाम है हमारा। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ, महापावर जी का करना चाहती हूँ, जो इतने बड़े मुझे सहयोग मिले। मैं तो यही सोच रही थी कि बच्चे का एडमिशन मैं कैसे कर पाऊँगी या नहीं कह के, इसलिए मैं सोच में पड़ी थी और सोची थी इसे अच्छे स्कूल में ही करूं ताकि पढ़ लिख करके अपनी कम से कम माँ की नाम रोशन करे और मतलब जो इनके एडमिशन कराए हैं उनका नाम रोशन करे। ये बच्ची को मैं साल भर से रख रही हूँ। उनके माता पिता को? इनकी माता तो गुजर गई है, इनके पापा जो हैं गांव में हैं। अभी बच्चे का एडमिशन स्कूल में हो गया, कैसा लग रहा, कैसा महसूस कर रहा? हाँ, बहुत अच्छा, खुशी लग रही है मुझे, एडमिशन हो गई है। तो वही एक बोझ जैसे मुझे लग रही थी कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, नहीं करूँगी, लेकिन सबकी सहयोग मिले तो बच्चे के एडमिशन हो गए, तो बस इससे बड़े और धन्यवाद।
अब बच्चे का रिलेशन मेरे नानी के रिश्ते में है। हाँ जी, गांव मैं रिश्ते से है या रिश्तेदारी है? हाँ, वो इनकी मम्मी और मैं एक ही गांव के थे, इसलिए हम दोनों बहन, मतलब इनकी नानी जो थी और मैं, दोनों बहन की बराबर हैं। पढ़ने में कैसे है? पढ़ने में कितना पढ़ाई कर पाता है? पढ़ने में बहुत अच्छी है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई 3 चरोदा कुम्हारी से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।